दादा एक मिनट, इनको उल्टो कर दिया। आज नकली नोट पकड़े, 3,30,000 के नकली नोट है। एक वीरेंद्र यादव है, ये रहने वाला जालौन जिले का है, उसको आज पकड़ा है पासापोर्ट सर्कल में। हमारे जो एडिशनल एसपी करण शर्मा है, इनके पास काफी दिन से सूचना थी। इस सूचना पर इनकी टीम ने कुरील इंस्पेक्टर और रामलाल, राजेंद्र, नरेंद्र, देवी सिंह सब इंस्पेक्टर, इन लोगों ने इसको आज पकड़ा है। और ये इसका ये कहना है कि ये बहरामपुर में एक नरेंद्र गुर्जर बंद है, रहने वाला जालौन का ही है। उसकी सूचना पर उसने जिसको दिलवाया था, उसके भाई ने दिया था, उसको लेके कुछ लोगों के देने आया था। कितने रुपए के कौन से नोट है? 2000 के नोट है, 2000 के 165 नोट है टोटल। सर ये पूर्व सरपंच बताया जा रहा है? हाँ, पूर्व सरपंच रहा है और 50 बीघा जमीन इसके पास है। नहीं, अभी तो इसी को पकड़ा है हमने, अभी इससे पूछताछ में आएगा किसने पैसा दिया। वो तो जैसे नरेंद्र गुर्जर है जो कह रहा है बहरामपुर जेल में जो बंद है, वो नकली नोट में ही बंद है, उसका भाई ने इसको दिया है और दिया वही जालौन के आसपास ही दिया है। नोट कहाँ से लेके आते हैं ये? कहाँ वो उसको पकड़ने के बाद पता चलेगा, इसको भी नहीं पता है, इसको तो डिलीवरी दी है। पहले भी कितनी बार आ चुका है जयपुर? नहीं, पहले कहता है कि आया है, लेकिन अभी कह नहीं रहा है कि मतलब किसको दिया क्या दिया। अभी जस्ट ही लाया, पूछताछ हुई नहीं है। यहाँ पे से देने किसको दिया? किस लोगों के लिए कह रहा है अभी पूछताछ करेंगे। जयपुर में? नहीं, वो पैदल ही था, बस से निकला।